स्टार्ट करें एक बार, कल का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हम लोगों ने स्टडी किया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टोटल 5 टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। एक इंडेमनिटी जो हमारा फिनिश हो चुका है, एक गारंटी, एक बेलमेंट, एक प्लेज और पांचवा है एजेंसी। ठीक है ना, 10 से 14 मार्क्स की कवरेज है। अदर लो, कॉर्पोरेट एंड अदर लो का एक पार्ट है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या था? एक पार्टी दूसरी पार्टी से प्रॉमिस करती है उसे होने वाले जो नुकसान है उससे बचाने के लिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेज द अदर पार्टी टू सेव द लॉस, ठीक है ना, कोर्स टू इट बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। तो ये तो हम पढ़ ही चुके थे, दो लाइनों की डेफिनेशन है। सेक्शन कौन सा है? 124। फिर है राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, बस दो ही सेक्शन है, बाकी तो हमने एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर की थी। राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर में 3 तरह के राइट हैं इंडेमनिटी होल्डर के, सेक्शन 125 में। तो ओल्ड डैमेजेज विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, ऑल कॉस्ट विच ही मे कंपेल्ड टू पे इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग द सूट, और ऑल सम्स विच ही मे हैव पेड इन टर्म्स ऑफ कंप्रोमाइज। तो ये 3 राइट हैं इंडेमनिटी होल्डर के। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज साइलेंट अबाउट द राइट ऑफ इंडेमनीफायर। तो इट डजंट मीन कि इंडेमनीफायर हैज नो राइट, ऐसा होता नहीं है। तो ये आपको बहुत सारी चीज़ें साफ साफ नहीं भी लिखी हुई हैं तो फिर कहीं से बोरो करके लानी पड़ती है, तो हमें खैर उससे मतलब नहीं है। हमें तो इंडेमनिटी होल्डर की ये राइट है। ये तो मैंने नॉलेज से एक बताया आपको कि अगर 2 पार्टियां हैं तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि एक पार्टी के राइट हैं और दूसरी पार्टी के राइट कुछ होंगे नहीं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी एग्रीमेंट में दोनों ही पार्टियों के राइट होते हैं, दोनों ही पार्टियों की ड्यूटीज होती हैं। तो वो एक अलग बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट अबाउट द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी फायर। अब आज सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये सेक्शन 126 से लेकर 147 तक है। बीच बीच में कुछ सेक्शन ब्लैंक जरूर हैं इसमें, लेकिन ये जो है सेक्शन 126 से लेकर 147 तक है। 148 से फिर बेलमेंट स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन जैसे मैंने पहले ही बताया, नहीं भी याद करोगे काम चल जाएगा। खासतौर से अदर लॉज में तो याद करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी यूज का नहीं है, प्रैक्टिकल में भी आपको ये काम तो करने नहीं है। कॉरपोरेट लॉ के याद कर सकते हैं आप एक बार, क्यों? क्योंकि वो सीए फाइनल में भी है फिर, एक्सटेंडेड पार्ट उसका, और प्लस सीए बनने के बाद कंपनी से रिलेटेड मैटर के ही आपको देखना होता है, तो उसके एक बार को याद कर सकते हैं, और एक इनकम टैक्स के याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हमने लिख दिया कि हमें पता होना चाहिए सेक्शन 126 से लेकर 147 तक है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग लिखते हैं कि सेक्शन 126 में मीनिंग क्या दिया हुआ है, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने कल इंडेमनिटी को किया था। तो फटाफट लिखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मीनिंग सेक्शन 126। सेक्शन 126 मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, टू परफॉर्म द प्रॉमिस, टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी, टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट है?
किसी प्रॉमिस को पूरा करना या किसी लायबिलिटी को चुकाना। अच्छा, किस के प्रॉमिस को पूरा करना है, किसकी लायबिलिटी को चुकाना है? ऑफ ए थर्ड पर्सन, ऑफ ए थर्ड पर्सन, ऑफ ए थर्ड पर्सन। क्यों चुकाना है? इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, यदि वो गलती करता है। तो डिफॉल्ट हियर मीन्स, मतलब क्या मतलब है डिफॉल्ट का? मतलब यहाँ पर कि जो थर्ड पार्टी है उसने अपना डेट नहीं चुकाया, या कोई परफॉर्मेंस और प्रॉमिस की बात थी तो नॉन परफॉर्मेंस हुआ उसकी तरफ से। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स जो है एक शॉपकीपर के पास जाता है, एक्स शॉपकीपर से कहता है, क्या कहता है? गिव द मोबाइल फोन टू वाई। कोई एक वाई शख्स है, इसका दोस्त होगा। एक्स जो है दोनों पार्टी को जानता है, तभी जो शॉपकीपर एक्स की बात मानेगा। तो एक्स सेड गिव द मोबाइल फोन टू वाई। इफ वाई डज नॉट पे आई विल पे यू। अगर वाई पेमेंट नहीं करता है तो मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, ऐसा उसने शॉपकीपर से कहा। अब शॉपकीपर क्या करता है? एक्स की बात मान के वो मोबाइल फोन दे देता है। शॉपकीपर गेव मोबाइल फोन टू वाई। तो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये खाली अकेला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक तो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन वाई एंड शॉपकीपर, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कोई वारंट, ना कोई इंडेमनिटी है, ना कोई गारंटी है। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक सेलर जो है बायर को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर कुछ गुड्स को वो सेल कर रहा है। तो बिटवीन वाई एंड शॉपकीपर देर ए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, बिटवीन एक्स एंड शॉपकीपर दियर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं है, ठीक है ना, ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो है बिटवीन एक्स एंड शॉपकीपर, ठीक है ना, जिसमें वो शॉपकीपर को आश्वासन देता है, शॉपकीपर को एश्योरेंस देता है कि मेरे कहने से आप इसको दे दीजिए मोबाइल फ़ोन, और अगर ये पेमेंट नहीं करेगा तो आई विल पे यू, ठीक है ना। लेकिन साथ के साथ बिटवीन एक्स एंड वाई देयर इज ऑल्सो ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी दो तरह का हो सकता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है ना। तो एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी साथ के साथ है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कि वो क्या कह रहा है कि वाई कह रहा है आप मेरी गारंटी दीजिए, ठीक है ना, अगर मेरी वजह से कोई नुकसान हो गया। कल ये वाली बात समझ में नहीं आ रही थी कि बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन, ठीक है ना। तो अगर मेरी वजह से आपको नुकसान होता है तो आई विल इंडेमनिफाई यू। तो जैसे ही अगर वाई डिफॉल्ट करता है, एक्स को शॉपकीपर का पेमेंट करना पड़ जाता है, तो वैसे ही एक्स जो है वाई से डिमांड कर सकता है और वाई को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा एक्स को। क्लियर होगी बात ये? तो लिखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए ट्राइपरटाइट, ट्राइपरटाइट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए ट्राइपरटाइट कॉन्ट्रैक्ट। ट्राइपरटाइट यानी कि थ्री कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक। नंबर वन,
एग्जाम्पल के रेफरेंस में लिखवा रहा हूँ, एग्जाम्पल कॉपी कर लिया था तो चलिए पहले कॉपी कर लीजिए, लैंग्वेज एग्जाम्पल के रेफरेंस में लिखवा दूंगा ना मैं आपको कि बिटवीन एक्स एंड शॉपकीपर दे इज ए प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, ऐसे लिखवा दूंगा फिर मैं, एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिएगा। एमपी मतलब मोबाइल फोन, आप पूरे ही लिखिएगा, बाद में 2 महीने बाद जब आप इस एग्जाम्पल को देखोगे तो हाँ कुछ भी समझ सकते हो आप। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी दे ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 लिखिएगा इसमें, बिटवीन एक्स एंड शॉपकीपर दिस इज ए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, बिटवीन शॉपकीपर एंड वाई, एक्स ही देंगे वाई लिख लीजिएगा, सॉरी, बिटवीन शॉपकीपर एंड वाई दिस इज ए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, बिटवीन एक्स एंड शॉपकीपर दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बिटवीन एक्स एंड शॉपकीपर दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एंड बिटवीन थर्ड पॉइंट में बिटवीन एक्स एंड वाई दिए इज ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बिटवीन एक्स एंड वाई देयर इज ए इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्लियर? पार्टी के नाम क्या होंगे यहां पर? देखिए, एक सियोरिटी है, एक प्रिंसिपल डेटर बोला जाता है, एक प्रिंसिपल क्रेडिटर बोला जाता है। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड सियोरिटी, इन माई एग्जाम्पल एक्स, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड सियोरिटी, इस एग्जाम्पल में एक्स, द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिविन, जिसे गारंटी दी जाती है तो वो क्या होता है? प्रिंसिपल क्रेडिटर। अ पर्सन फॉर होम, जिसके लिए गारंटी दी जाती है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। यानी कि मेरे एग्जाम्पल में एक्स जो है सियोरिटी का काम करेगा, शॉपकीपर जो है क्रेडिटर का काम करेगा, और वाई जो है डेटर का काम करेगा। लिखिएगा आगे नोट में, लिखवा रहा हूँ मैं, सियोरिटी बोला मैंने एक्स को, नोट में लिख लीजिएगा इनके नाम, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी
इज कॉल्ड श्योरिटी. द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड श्योरिटी. द पर्सन सेकेंड पॉइंट में द पर्सन टू हूम गारंटी इज गिवन. द पर्सन टू हूम गारंटी इज गिवन. द पर्सन टू हूम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्रेडिटर. द पर्सन टू हूम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्रेडिटर. थर्ड पॉइंट द पर्सन फॉर हूम गारंटी इज गिवन. द पर्सन फॉर हूम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर. द पर्सन फॉर हूम गारंटी इज गिवन द पर्सन फॉर हूम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर. इज इट क्लियर? अब देखिए जो गारंटी की डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी. अब डिस्चार्ज द लायबिलिटी के तो बहुत सारे एग्जांपल, एक एग्जांपल समझ में आ गया, को काफ़ी एग्जांपल लिए जा सकते हैं, क्योंकि गारंटी कॉन्ट्रैक्ट को हम नॉर्मली लायबिलिटी से ही लिंक करके देखते हैं. नॉर्मली जब भी गारंटी वर्ड आता है तो लोन ले रखा है एक आदमी ने, एक ने दे रखा है, किसी ने गारंटी दे रखी है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें समझ में आता है. लेकिन बात ये आती है कि हाँ कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, ठीक है ना. तो ये इसका क्या एग्जांपल बैठेगा कि टू परफॉर्म द प्रॉमिस इन के ऑफ ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट. तो गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा नहीं है कि केवल लेन देन के मामले में ही काम आता है. गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट जब टेंडर छूटते हैं, खासतौर से गवर्नमेंट टेंडर छूटते हैं या कोई और भी काम हो सकता है, मैं एग्जांपल के तौर पर गवर्नमेंट की टेंडर की बात कर रहा हूँ, कि गवर्नमेंट के टेंडर छूटे कि अब मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण होना है. आज से 2 साल पहले 3 साल पहले टेंडर छूटा होगा. अब काफ़ी कंपनियाँ आई होंगी उस टेंडर में बोली लगाने के लिए. अब कैसे लगता है आपको कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती होंगी गवर्नमेंट की तरफ से कि किस कंपनी को देना है, किस कंपनी को नहीं देना है? तो उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी गवर्नमेंट चेक करती होगी, उन्होंने अभी तक कितने कॉन्ट्रैक्ट करे हैं, नहीं करे हैं. इसके अलावा आपने कभी नाम सुना बैंक गारंटी ली जाती है? ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि 3 साल में आपको मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पूरा करना है, अब लगा दिए 5 साल, तो गवर्नमेंट को तो नुकसान है इसमें, गवर्नमेंट को तो पैसा फंसा हुआ है ना, तुमने लगा दिए 10 साल. तो कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी ये भी होता है कि देखिए मैं आपको ये ठेका दे रहा हूँ, क्यों दूँ मैं, मुझे विश्वास दिलाइए आप कि ये तय समय में आप पूरा कर लेंगे. वो तो कहेगा ही मैं तय समय पूरा कर लूँगा, लेकिन मैं तो तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहता, मुझे गारंटर पकड़ के लाइए, अगर नहीं करा तो क्या होगा. टू परफॉर्म द प्रॉमिस यानी कि किसी वायदे के लिए भी गारंटी दी जाती है, किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए भी क्या दिया जाता है, गारंटर अपॉइंट होता है कि मैं कह रहा हूँ, एक बैंक बीच में आ जाएगा अगर गवर्नमेंट बैंक की बात मानती होगी या कोई और बीच में आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि आप इसे काम दीजिए, ये अपना काम बहुत ईमानदारी से और तय समय में पूरा कर देगी ये कंपनी, नहीं करेगी तो मैं आपको डैमेज देने के लिए तैयार हुई हूँ. समझ में आ रही बात? तो कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ ए डिफॉल्ट. क्लियर? अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो इसका मतलब है इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी ऑल द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. आगे लिखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ से, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट सो
ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट. सो ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट. एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत नहीं है कि कॉम्पिटेंस पे पार्टी होनी चाहिए, आपका कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है ना. हाउएवर नेक्स्ट लाइन से हाउएवर समझाता हूँ फिर लिखवाता हूँ मैं आपको. देखिए कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है. इसका मतलब है ऑल द एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ऑल्सो बी प्रेजेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी में इसका एक एक्सेप्शन भी है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी. इसमें तीन पार्टियां हैं, सियोरिटी, प्रिंसिपल क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर. इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट प्रिंसिपल डेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. तो ये इसका एक्सेप्शन भी हो गया. इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी इट इज नॉट नेसेसरी दैट प्रिंसिपल डेटर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि प्रिंसिपल डेटर का माइनर भी है तो कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी तब भी वैलिड है. इन केस ऑफ प्रिंसिपल डेटर इज माइनर देन ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी इज ऑल्सो ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्रेडिटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन डेटर अगर आपका माइनर है या नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो इसका कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. तो क्या हमने लिखा आगे, हाउएवर इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी, हाउएवर इन ए कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी प्रिंसिपल डेटर नीड नॉट बी However, in case of contract or guarantee, principal debtor need not be competent to contract. Clear? एक्सेप्शन ये तो आ गया कि प्रिंसिपल डेटर का कॉम्पिटेंट होना जरूरी नहीं है लेकिन कंसिडरेशन होना चाहिए. विदाउट कंसिडरेशन दिए नो कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी, ठीक है. लेकिन इसमें जो कंसिडरेशन है थोड़ा सा वो ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है. मतलब लो मेकर सेज कि इन्हें कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाई ए कंसिडरेशन. लेकिन जब आप देखोगे तो हो सकता है कंसिडरेशन ना दिखे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. चाहते तो वो कह सकते थे, फाउंडेशन में भी आप पढ़ के आए हो, एक रूल के एक्सेप्शन तो गवर्नमेंट बना सकती है ना, लो मेकर बना सकते हैं. लेकिन इन्होंने नहीं बनाया. अगर आप सोचो तो एक्स को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है शॉपकीपर से, नथिंग. फिर भी इन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाई ए कंसिडरेशन. हाउएवर डायरेक्ट कंसिडरेशन मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है. तो सेक्शन 127 आपको बताएगा कि कंसिडरेशन कैसे मिलना चाहिए. तो आगे लिखिएगा, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या इनको छोड़ दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाई ए कंसिडरेशन. कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाई ए कंसिडरेशन फुल स्टॉप. हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी, हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी ए डायरेक्ट कंसिडरेशन. There should be direct consideration between surety and creditor.
However, it is not necessary that there should be a direct consideration between surety and creditor. अब जो मैं आगे लिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर मैं उसके एग्जाम्पल समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है. गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट कह देती कि कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी हो जाता हमारे लिए. लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा, लॉ मेकर्स ने ये नहीं कहा कि कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट गारंटी वैलिड है, जबकि दिखता है नहीं कंसिडरेशन. ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल लिए या ज़्यादातर जो भी आपके दिमाग में एग्जाम्पल आएंगे तो कभी सोचना, ठीक है, तो कंसिडरेशन दिखता तो है नहीं. तो कंसिडरेशन क्या है, तो सेक्शन 127 लिखिएगा. सेक्शन 127 क्या कहता है, एनीथिंग डन कॉमा एनीथिंग डन और प्रॉमिस मेड, एनीथिंग डन कॉमा प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ डेटर, एनीथिंग डन और ए प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ डेटर एट द रिक्वेस्ट ऑफ सियोरिटी, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, एट द रिक्वेस्ट ऑफ सियोरिटी. एट द रिक्वेस्ट ऑफ सियोरिटी इज ए सफिशियंट कंसिडरेशन, इज ए सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी. एनीथिंग डन और ए प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ डेटर एट द रिक्वेस्ट ऑफ श्योरिटी इज ए सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी. इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ के, मैं तीन आपके सामने केस रख रहा हूँ तो पहले समझाऊंगा फिर उसके बाद में कॉपी कर लेंगे. एक्स ने वाई को लोन दिया एट द रिक्वेस्ट ऑफ जेड. अभी मैं केवल समझा रहा हूं आपको. पहला एग्जांपल ये है, एक्स ने वाई को लोन दिया एट द रिक्वेस्ट ऑफ जेड. तो यही कहा होगा जेड ने कि प्लीज गिव द लोन टू वाई, इफ ही विल नॉट पे आई विल पे यू. तो दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज एनीथिंग डन एक्स ने किया, किसके लिए किया, डेटर के लिए. बिकॉज एनीथिंग डन और ए प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ डेटर इज ए सफिशियंट कंसिडरेशन फॉर सियोरिटी एट द रिक्वेस्ट ऑफ सियोरिटी ना, तो इसकी रिक्वेस्ट पर लोन दिया गया. चलिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वैलिड है. एक्स ऑलरेडी गेव लोन टू वाई, एक्स ने ऑलरेडी लोन दिया हुआ है वाई को. आफ्टरवर्ड उसके बाद लोन नहीं चुका रहा होगा ये. एक्स वांट टू स्यू ऑन वाई बट जेड रिक्वेस्ट फॉर बियर टू स्यू ऑन वाई फॉर वन ईयर, प्लीज भूल जाओ एक साल के लिए इस पर मुकदमा करना. गिव द एट द रिक्वेस्ट ऑफ जेड एक्स ने वाई को एक साल का समय दे दिया. मुकदमा चाहता था वो भी कर सकता था, ठीक है. एक साल भी बाद भी नहीं चुकाया उसने, तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है बिकॉज एट द रिक्वेस्ट ऑफ जेड एक्स ने वाई को एक साल का समय दिया, ठीक है. तीसरा एग्जांपल, क्योंकि जरा सी भी लैंग्वेज चेंज होगी आंसर चेंज हो जाना है और लगेगा आपको बिल्कुल एक जैसा. दिक्कत ये भी है, X already gave loan to Y. Afterward, Z guarantees the repayment of loan. मतलब ऑलरेडी लोन दिया हुआ है
उसके बाद लोन देने के बाद जेट गारंटीज द रिपेमेंट ऑफ लोन, वाई ने पेमेंट रिपे नहीं किया, एक्स जेट से कहता है आपने गारंटी ले रखी है, तो कह नहीं सकता क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू गारंटी विदाउट कंसिडरेशन। जेट के कहने से क्या किया तुमने, समझने की कोशिश कीजिएगा। तुमने ऑलरेडी लोन दिया हुआ है, दो महीने बाद चार महीने बाद कोई आके अपने आप गारंटी दे जाए, या तुमने कहा भी गारंटी दे जाओ, लेकिन उसकी गारंटी के आधार पर तुमने किया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एट द रिक्वेस्ट ऑफ सियोरिटी कुछ करना जरूरी है, उसके लिए करो ये जरूरी नहीं है। डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन क्रेडिट एंड सियोरिटी इट इज नॉट नेसेसरी, बट एनीथिंग डन और ए प्रोमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ डेटर एट द रिक्वेस्ट ऑफ सियोरिटी ये जरूरी है, यही कंसिडरेशन होता है। समझ में आ गई बात, इससे एक चीज निकलती है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पार्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, इन ए कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पार्ट कंसिडरेशन इज ऑल्सो कंसिडरेशन, बट इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पार्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, क्योंकि एक तरह से एक्स ने वाई को लोन तो दिया हुआ था, ये पार्ट कंसिडरेशन था, इसका मतलब है इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पार्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, इससे भी बात निकल के आती है। समझ में आ रही बात, तो तीन क्वेश्चन आप कॉपी कीजिए फटाफट, मैं आप लिखवाता हूं इसे। पहला एग्जांपल जो हो जाएगा एक्स गेव लोन टू वाई एट द रिक्वेस्ट ऑफ जेड, एक्स गेव लोन टू वाई एट द रिक्वेस्ट ऑफ जेड, तो दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, हाँ एट द रिक्वेस्ट ऑफ जेड, तो जेड सिक्योरिटी हो गया। अभी लिखवाता हूँ, अभी लिखवाता हूँ, कॉन्सेप्ट का लेक्चर बस आज ही है इसमें, उसके बाद तो जब कलम पढ़ेंगे ज़्यादा लिखवाऊंगा अभी नहीं मैं। राइट्स हो गए सिक्योरिटी के, राइट्स हो गए क्रेडिटर के, ड्यूटीज हो गई, वो बड़े जनरल होती हैं, लेकिन जो क्वेश्चन को समझना है वो मतलब जो परिभाषा है शुरुआत की उसी में छुपी हुई बात, बाकी तो डायरेक्ट है, फिर कुछ है ही नहीं। सेकंड देखिएगा इसका, एक्स ऑलरेडी गिव लोन टू वाई, एक्स ने ऑलरेडी लोन दिया हुआ है वाई को, आफ्टरवर्ड जेड सेड टू एक्स प्लीज फोरबियर, यानी भूल जाओ फोरबियर टू सी यू वाई
टू सू वाई फॉर 1 year. एक्स एग्रीड, सहमत हो गया. कुछ ये साइलेंट है, पूरा लिखवाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना. माना मैं फिर लिखवाता हूँ कि 1 year के लिए भूल जाओ. इफ वाई डज नॉट पे आफ्टर 1 year तो आई विल पे, मतलब ये भी छुपी हुई है. मैं कह रहा हूँ कि 1 साल के लिए भूल जाओ आप, 1 साल के बाद आपको पैसा आपका मिल जाएगा, और अगर वाई तब भी नहीं देता है तो मैं पेमेंट कर दूंगा. तो दिस इज ऑल्सो ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट गारंटी बिकॉज एट द रिक्वेस्ट ऑफ जेड, एट द रिक्वेस्ट ऑफ सियोरिटी कुछ तो किया गया है. क्या किया गया है? 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है. तो जो 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है एट द रिक्वेस्ट ऑफ सियोरिटी, इट इज ए कंसिडरेशन. ये भी एक कंसिडरेशन है. समझ आ रही बात? तो वो लाइनें लिखवाने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. क्या? एट द रिक्वेस्ट ऑफ सियोरिटी एनीथिंग डन इज ए कंसिडरेशन. एट द रिक्वेस्ट ऑफ सियोरिटी, तो जेड के कहने पर क्या किया गया है एक्स के द्वारा वाई के लिए? 1 साल का समय दिया है, 1 साल के लिए मुकदमा करवाना रुकवा दिया गया है. तो जो 1 साल का एक्स्ट्रा समय मिल गया वाई को रिपेमेंट करने के लिए, वो जेड के लिए कंसिडरेशन है. ये सेकंड एग्जांपल था. क्लियर? सर अगर ये इसके कहने पे इसको फोन पे ना करता तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना फिर, क्योंकि उसने इसके कहने पे कुछ नहीं किया. अभी तीसरा लिखवा रहा हूँ, उसे पता लग जाएगा. तीसरा देखिएगा, एक्स ऑलरेडी वाई को लोन दे चुका है. X already gave loan to Y. After 1 month, Z guarantee the repayment ऑफ लोन. 1 महीने बाद जेड ने रिपेमेंट की गारंटी दी, तो इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन मूव. इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंसिडरेशन नहीं है. जेड कह रहा है मैं गारंटी लेता हूं कि आपका पेमेंट मिल जाएगा, नहीं मिला तो मैं दे दूंगा. लेकिन एट द रिक्वेस्ट ऑफ जेड क्या किया गया है? लोन आप पहले दे चुके हो. समझ में आ रही बात? तो इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो कंसिडरेशन. तो लिखिएगा इसे. ये आपने कॉपी कर लिया, इसका लिखिएगा. दिस इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. दिस इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. दिस इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट नो कंसिडरेशन. क्लियर? आगे लिखिएगा नोट डाल के.
फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल From the above example, we can conclude that past consideration is no consideration in a contract of guarantee. अब समझ में आ गया past consideration in no consideration जो आपको दिक्कत थी, आप पूछ रहे थे ना विदेश, तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो बता दीजिए मुझे. लोन पहले से दिया था, लोन रीपेमेंट के लिए मैच्योर हो चुका था, लेकिन एक्स वाई पे मुकदमा करना चाहता था, लेकिन जेड की रिक्वेस्ट पर एक्स ने एक साल के लिए मुकदमा करने का जो राइट है छोड़ दिया. तो जेड के कहने पर एक्स ने कुछ किया ना, एनीथिंग डन और एनी प्रोमिस मेड. तो प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारी इज्जत को रखते हुए एक साल तक कुछ नहीं कहूंगा. तो एनीथिंग डन एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ डेटर एट द रिक्वेस्ट ऑफ सियोरिटी इज ए सफिशियंट कंसिडरेशन. लेकिन थर्ड एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं किया गया. तो बहुत जरा जरा से डिफरेंस है बस. क्लियर है? अब जो आगे का आप कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी कुछ भी नहीं है इसमें. मतलब उसमें तो केवल राइट्स हैं, सियोरिटी के राइट्स क्या हैं, सियोरिटी की ड्यूटी क्या है, क्रिएटर के राइट्स क्या हैं, क्रिएटर की ड्यूटी क्या है. पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसी है, ऐसी बेलमेंट है जो पहले दिन आप समझोगे नेचर कि आपका जो क्वेश्चन जब आए केस स्टडी आए तो आप ये तो समझ जाओ कि बेलमेंट है भी या नहीं है. उसके बाद तो कुछ होता ही नहीं उसमें. बेलर के राइट क्या होते हैं, बेली की ड्यूटी क्या होती है, जनरल होते हैं सारी बातें. उसमें कोई हाई फाई चीज़ कुछ नहीं होती है. यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो किसी भी तरीके से. तो सेक्शन 126 हम लोगों ने किया, मीनिंग 127 हम लोगों ने किया कि कंसिडरेशन क्या है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन क्या है. अब डिफरेंस सीख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी में. इसे लिखवाऊंगा नहीं, ये तो नोट दूंगा मैं और मैं सब लिखा हुआ होगा, ठीक है ना. तो जो लिखवाने का काम होगा वो तो जो बेसिक चीज़ें हैं, फीचर्स हैं, वो मेन पॉइंट आपको लिखवा दिए जाएंगे आपको. जैसे इन दोनों में डिफरेंस है, अगर मैं अभी नहीं भी बताऊं आपको तो आई थिंक अगर आप दिमाग लगाओगे, ऑब्जर्व करोगे, 5-6 पॉइंट अपने आप ही निकाल लोगे. 7-8 होंगे, 5-6 अपने आप ही निकाल लोगे आप. अगर जरा सा भी ऑब्जर्वेशन है और दो टर्मोलॉजी को आपने अच्छी तरीके से समझा हुआ है. इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या बड़ा अंतर है? कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी में इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कितना बड़ा भारी अंतर है. कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे हमने पार्टी बताई, यहाँ पे हम बताएंगे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. जब आपको रेफरेंस बुक मिलेगी तो आप देखना सब यही लिखा हुआ होगा उसमें. इसके अलावा जो चीज़ें इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी. इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लाइबिलिटी ऑफ सियोरिटी इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल. इसे समझ लेते हैं हम लोग. हाँ, मतलब प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, हु इज फर्स्ट लाइबल, तो उसके बाद जो व्यक्ति आएगा वो सेकेंड लाइबल होगा. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में फर्स्ट लाइबल व्यक्ति जो है वो हमेशा डेटर ही रहेगा, फर्स्ट लाइबल व्यक्ति. लेकिन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइमरली लाइबिलिटी ही इंडेमनीफायर की है. गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इफको टोक्यो से आपने इंश्योरेंस करा रखा अपनी गाड़ी का, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गलती तो उसकी है, मतलब आपकी बिना गलती के कोई और ठोक गया तो गलती तो उसकी है, लेकिन प्राइमरी लाइबिलिटी उसकी नहीं है, इफको टोक्यो की ही है.
इफ्को टोक्यो आपको पेमेंट करेगी, समझ में आ रही बात? वो अलग बात है कि इफ्को टोक्यो क्या करेगी कि उस व्यक्ति से केस करके रिकवर कर सकती है। अब वो भी डायरेक्टली रिकवर नहीं कर पाएगी, वो भी थ्रू आपके करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात आपके? तो ये कुछ डिफरेंस है। और सोचिए आप क्या डिफरेंस हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी में। एक कंसीडरेशन केस हो जाएगा, चलो इन्हें एवरी कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी देयर मस्ट बी ए कंसीडरेशन, बट इन्हें कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी कंसीडरेशन का डायरेक्ट होना जरूरी नहीं है। मतलब सियोरिटी को कंसीडरेशन नहीं मिलता है, लेकिन वो माना जाता है एक तरह से। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी दियर इज ए डीम्ड कंसीडरेशन। डीम क्या होता है? जो चीज़ है नहीं लेकिन मान ली गई। तो वास्तव में जो करेक्ट टर्मोलॉजी है वो ये है कि कंसीडरेशन है नहीं, एक डीम्ड तरह का कंसीडरेशन है जो माना गया है। क्लियर होगी बात? ये डिफरेंस की बात कर रहे हो आप? हाँ, ये भी हो जाएगा। दो टर्मिनोलॉजी अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो डिफरेंस तो कभी भी याद करने की चीज़ नहीं होती है। मतलब ऑब्जर्वेशन में शुरुआत में तो रखता है दिक्कत आए आपको, लेकिन बाद की चीज़ें रटने से बचे जाते हो आप लोग। काफ़ी चीज़ें रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अब तीन चार टॉपिक हो रहे हैं इसके अंदर, वो इतने सिंपल से हैं, वो सिंपल इसलिए कि आप अगर बेसिक डेफिनेशन सीख गए तो बाकी चीज़ सिंपल हैं। सियोरिटी के क्या राइट्स होंगे, प्रिंसिपल क्रेडिटर के क्या राइट्स होंगे, प्रिंसिपल डेटर के क्या राइट्स होंगे आपके, ठीक है ना। डायरेक्ट लिखने के लिए आता है तो ठीक है, मुझे पढ़ाना भी आपको। केस स्टडी आती है और मैं आज कोई सी भी केस स्टडी आपसे गारंटी में करा दूं, ठीक है, तो आप अभी भी कर लोगे क्योंकि लॉजिकल है सब चीज़ें। जो चीज़ लॉजिक नहीं है वो तो हमें अच्छी तरह ऑब्जर्व करनी होती है, समझनी होती कि कानून क्या है, लेकिन जो कानून है ही लॉजिक के ऊपर टिका हुआ तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। केस स्टडी आएगी, हमें आंसर पता होगा उसका। क्लियर है बात? तो आज यहीं तक रखते हैं, दो सेक्शन आज कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। थैंक यू।